ऑल मांडे क्या हाल चाल। मैं चाहता हूँ आप काम करो रोज। अगर आप लेट्स से कोई आपकी लाइफ में डेडलाइन नहीं चल रही है, कोई इमीडिएट एग्जाम असाइनमेंट टाइप आपके पास प्रेशर नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं आपको काम नहीं करना चाहिए। अपनी जिंदगी में अपने आप पे हमेशा काम करते रहो। सेल्फ बेटरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वालिटी ही नहीं हैबिट है, ठीक है। उस दायरे में अगर देखा जाए तो ये लिस्ट मैं उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। बहुत सारी और लिस्ट भी मैं निकालूंगा, ये पहली लिस्ट है। तो मोटिवेशनल लिस्ट मेरी ये हो गई। पहली मूवी गुड विल हंटिंग, ठीक है, बेन एफ्लेक, मैट डेमन, रॉबिन विलियम्स। मूवी से आपको क्या क्या मिल सकता है शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। पहला, मूवी की बेसिक थीम ये है कि पोटेंशियल अनयूज्ड अनरियलाइज्ड, ठीक है। एक इंसान है जो कि बॉर्न जीनियस है, जो 100 साल में एक बार जैसे लेवल में जीनियस आते हैं, उस लेवल का जीनियस दिखाया है, न्यूटन लेवल का समझ लो, ठीक है। और उसे कुछ करना नहीं, उसे बस मजे करने हैं। कह रहा है यार है तो मैं क्या करूं, तो मतलब मैं वो करता हूं क्या है, जस्ट बिकॉज मैं तेज हूं तो कि मैं कुछ सक्सेसफुल हूं अपनी जिंदगी में, मैं बहुत बड़ी चीजें करूं। ये काइंड ऑफ थीम है मूवी की। तो एक रियलाइजेशन है, मैच्योरिटी की तरफ मूवी बढ़ती है। दूसरी चीज, इससे आपको क्या होगा, इस मूवी देख के आपको एक फीलिंग आएगी स्मार्ट बनने की, चीजें नॉलेज एकत्रित करने की। कई सीन्स है मूवी में आपको, क्योंकि आपकी एज का ही लड़का है उस मूवी में, तो आपको लगेगा यार कितना कूल होगा अगर मैं भी ऐसे ही नॉलेज रखूं, मैं भी ऐसी बात कर पाऊं, इंप्रेस कर पाऊं ऐसे। तो ये मूवी आपको अंदर ही अंदर एक कॉम्प्लेक्स देती है। सेकंड मूवी, अ ब्यूटीफुल माइंड बाय रसल क्रो, नॉट बाय रसल क्रो, वाओ, ब्यूटीफुल माइंड प्लेड बाय। इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, फोकस आएगा पढ़ाई करने का, आप ग्राउंडेड हो गए, आपको लगेगा कि हाँ यार कमरे में बैठे हैं हम भी कुछ करें। वो बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी का बहुत बढ़िया है, जेम्स हॉर्नर का दिया हुआ। ऑल इन ऑल दिस मूवी विल मोटिवेट यू अलॉट। थर्ड मूवी, सोशल नेटवर्क। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी रखी है, स्टोरी ऑफ मार्क ज़करबर्ग। दिस इज अ वेरी गुड मूवी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। साउंड ट्रैक ट्रेंट रेज़नर, एटिकस रॉस, ऑस्कर मिला था आई थिंक इस मूवी के साउंड ट्रैक के लिए। जब भी वो बैठता है, स्टार्टिंग मूवी का जो सीन है, मूवी ओपन होती है एंड ही मेक्स फेस मैश या जो भी बनाता है वो वेबसाइट हैक करके, वो पूरा सीक्वेंस इट मेक्स यू वाना बी लाइक घुसो एक जगह, जोन आउट हो और लग जाओ, बस लग जाओ। एंड द सेकंड ऑब्वियसली आई थिंक सेम आपको इफेक्ट मिलेगा जब वो वेबसाइट बिल्ड करेगा फेसबुक। फोर्थ मूवी व्हिप्लैश। छोटी सी थीम, सिंपल, इस मूवी की ऑब्सेशन है और अप्रूवल है, अप्रूवल ऑफ योर टीचर। इन वेरी शॉर्ट दिस मूवी इज कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग ग्रेट। और यहां पे आपको ड्रमिंग नहीं सोचनी, क्योंकि हो सकता है मूवी में आपको एसेंशियली वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, बेस्ट ड्रमर उसको बनना है, बेस्ट जैज ड्रमर बनना है उसको। लेकिन आपको यहां पे आप हर एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हो इसको, कि अगर आपको किसी भी चीज़ में ग्रेट बनना है तो उसकी कॉस्ट क्या है। ये मूवी आपको, आई डोंट थिंक कोई दूसरी मूवी है जो इतनी रियलिटी या रियलिस्टिकली आपको दिखा सकती है कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग ग्रेट होती क्या है। फिफ्थ मूवी, अब आप कहोगे भाई ये कहाँ घुसेड़ी तुमने यार, पागल हो गए हो क्या, रैटाटुई। एनिमेशन हर डिपार्टमेंट को टच करते हैं, हर जगह देखते हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन हर जगह मिलेगी। एक्चुअल में रैटाटुई इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। एंड ये मूवी को अगर थीमेटिकली आप स्टडी करो थोड़ा सा, अगर उसको एनिमेशन में उसकी जो फील गुड है, कॉमेडी है, ऑफकोर्स इट्स अ वंडरफुल मूवी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप उसको उसकी थीम को थोड़ा स्टडी करो तो आपको पता चलेगा उसमें बहुत डेप्थ है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं रैट्स की, एक रैट जो कि कुक बनना चाहता है, चूहा, बट इस चीज़ को उन्होंने लिटरली ले लिया है। चूहे को दिखाया कि वो स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, ऑल दे डू इज स्टील, और वो सड़ा हुआ खाना खाते हैं डस्टबिन से, गार्बेज से, और उनकी डेस्टिनी में कभी नहीं है कि एक इंसान एक ग्रेस को ज्वाइन करे, एक कुक बने, एक इन्वेंशन करे कुछ भी चीज़ को। तो ये चीज़ माइंडसेट समझो, इट कम्स की यहाँ पे क्लैश आता है, एक इंसान अपने इस माइंडसेट जिससे पूरी उसकी क्रीड, उसकी पूरी क्लैन, उसका पूरा सोसाइटी चल रहा है, उसको छोड़ रहा है अकेला और कह रहा है नहीं मैं ये करूँगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई बिलीव। देर इज़ अ वेरी वंडरफुल सीन, आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द मूवी इज़ उसके डैड जो उसको ले जाते हैं, दिखाते हैं कि हमारी रियलिटी ये है, दैट्स हाउ ह्यूमन ट्रीट अस, ठीक है, हम पेस्ट हैं। तुम क्या लगता है तुम चेंज कर सकते हो ये सब, अपनी जानो तुम कौन हो, तुम जो सोच रहे हो तुम कभी नहीं कर सकते। एंड इतना बढ़िया सीन है वो, द एंड ऑफ द सीन सिंपल से वो आता है कि उसका डैड मोनोलॉग देता है, दोनों में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है, वो पलट के जाने लग जाता है, कहता है वेयर आर यू गोइंग, एंड ही सेज फॉरवर्ड, जहां मेरी डेस्टिनी मैं वहीं जा रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये चक्कर में नहीं फंसने वाला और मैं करके दिखाऊंगा। सिक्स मूवी सिंड्रेला मैन, बॉक्सिंग मूवी है। क्यों बहुत सारी बॉक्सिंग मूवीज में मैंने इसको लिया और जैसे रॉकी हो गई, क्रीड हो गई, इनको नहीं लिया, क्योंकि दिस मूवी का बैकड्रॉप बहुत मुझे पॉइंटेंट लगा था। बैकड्रॉप है इस मूवी का ग्रेट डिप्रेशन, खाने को नहीं है लोगों पे। तो ये स्टोरी उस बॉक्सर की जिसके घर में समझ लो कुछ नहीं है, डेस्परेशन में आ गया है,
और वो रिटायर भी हो चुका है इस मूवी स्टार्टिंग में, आई थिंक आया वो रिटायर हो गया है. दिस मूवी कैप्चर्स हेल्पलेसनेस इन अ वेरी पावरफुल वे. बेबसी क्या होती है, हेल्पलेसनेस क्या होती है, एक इंसान जो एक प्राउड इंसान है, डिग्निटी है जिसके अंदर, एक बॉक्सर था, आज उसके पास कुछ नहीं रहा, वो एक रोड पे आ गया, उसको घर में हीटर नहीं है ठंड में. तो कुछ सीन्स है मूवी के जो आपको हो सकता है रुला भी दें इस मूवी. 7, एज एक्सपेक्टेड, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द हार्शेस्ट हार्डेस्ट स्ट्रगल एक इंसान अपनी जिंदगी कैसे टर्न कर सकता है. इट्स नेवर टू लेट. एक इंसान जो ऑलरेडी एक सेल्स पर्सन है, जिसकी सेल्स वाली जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, हिंस उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो होमलेस हो गया है, वो बाथरूम स्टॉल्स के मैं अपनी रात गुजार रहा है, वो वेलफेयर में है, उसके पास घर नहीं है, तो वो अपने बच्चे को लेके, दिस इज द गट रेंचिंग मूवी. अगर आप लग जाओ, चाह लो, हार ना मानो, तो आप कुछ भी कर सकते हो यार. 8th मूवी, अक्टूबर स्काई, कोल माइनिंग टाउन, जहाँ पे हर इंसान कोल माइनिंग, यू नो दैट्स द प्रीडोमिनेंट प्रोफेशन ऑफ एवरीबडी. And there's a kid who wants to build a rocket. As simple as that, who wants to go into space. Ye dream hai ladke ki. And this movie also will show you ki determination kya hoti hai. Tumhe kuch nahi pata kisi cheez ke bare mein, tum kaise padhte ho, kaise seekhte ho, agar tumhare andar chaah hai, ichcha hai, to tumhare agal bagal ke log tumhari madad karne kaise aayenge, jo tumne kabhi expect bhi nahi kiya tha. Dream bahut strong cheez hoti hai, lekin usse badi cheez hoti hai perseverance, aur sabse badi cheez hoti hai action. अगर एक्शन ले रहे हो अपने ड्रीम्स पे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनको तुमने कभी सोचा नहीं था, और वहां से हेल्प आएगी, तुम्हें बढ़ावा मिलेगा. लेकिन सबसे भयंकर फ्यूल तुम ही हो, तुम्हारे अंदर से आना चाहिए वो, कि अगर ना भी आए तो तुम ना रुको. दिस मूवी कैप्चर दैट परफेक्टली. 9th मूवी, नाइट क्रॉलर, अगेन अ जेक जिलनहॉल मूवी. नाउ जितनी भी मूवियां थी, अब ये उससे एकदम एक लेफ्ट टर्न ले लिया मैंने. नाइट क्रॉलर एक सोशियोपैथ पे मूवी है, ऑलमोस्ट कह लो साइकोपैथ पे. ये मोटिवेशनल इसलिए है क्योंकि इसमें दिखाया ऑब्सेशन क्या होता है, अगर तुम्हें करना है तो करना है, लेकिन साइकोपैथिक पर्सपेक्टिव से, एक पागल पाने वाले पर्सपेक्टिव से. तो थोड़ा सा ये एक थ्रिलर में आ जाती है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर में एक्चुअल में आ जाती है. ये मूवी आपको मोटिवेट तो करेगी, क्योंकि इंसान है जो हार नहीं मान रहा. कहते ना एक चीज़ नहीं हो रही, हमारी जिंदगी में कई बार होता है हम बड़े ट्रेडिशनल तरीके अपनाते हैं, यार ये चीज़ नहीं हो रही, और फिर उसके बाद हम हार मान लेते हैं, यार या तो हो ही नहीं सकता मुझसे. यहाँ पे एक इंसान है, कह रहा है कि ये नहीं होगा, मैं करके तो दिखाऊंगा. बट अगेन वो साइकोपैथ है, तो वो बहुत ही क्रिमिनल अनकन्वेंशनल तरीके ढूंढ रहा है. बट आप इसको देख के एक चीज तो देख सकते हो कि करने वाला कर सकता है, अगर घुस जाए वो, पागल हो जाए एकदम ही. लास्ट मूवी, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन. इंडियन यहाँ पे जो है, फास्टेस्ट इंडियन इज अ नेम ऑफ द बाइक. दिस मूवी इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी, वेरी मच्योर मूवी. इसमें दिखाया एक इंसान है जो बूढ़ा हो चुका है, आउटडेटेड है उसकी ज़िंदगी, बिल्कुल वैसे उस कन्वेंशनल तरीके से नहीं रहता. वो डिसाइड करता है, मैं यार अपनी बाइक को एक और बार लेके जाऊँगा और मैं रेस जीतूँगा, रेस नहीं एक रिकॉर्ड सेट करूँगा बेसिकली. एंड ये उसकी जर्नी पे बेस्ड है. ये भी आपको मोटिवेट करेगी, कभी भी लेट नहीं होता ज़िंदगी में, करने पर अगर आ जाओ तो तुम कर सकते हो, अगर करने का हो तुम्हारे अंदर, गूदा हो, मन हो, चाह हो, और स्किल हो, नॉलेज हो. 7 मूवियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यू नो लिस्ट में नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए. फ्रीडम राइटर्स, ये मूवी है थोड़ा सा बंच ऑफ यू नो एक क्लासरूम जहाँ पे सब मिसफिट्स हैं, इनको कोई ट्रस्ट नहीं करता, इनको कहता है ये सब बर्बादी होंगे बच्चे, इनको कोई नहीं पढ़ा सकता, साले दो गौड़ी के बच्चे हैं, गुंडागर्दी करेंगे और मर जाएंगे गोली वोली खा के, ऐसा करके यू नो एक अमेरिकन, एक रियल लाइफ स्टोरी है ये, और एटलीस्ट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और एक टीचर पे बेस्ड है. हिलरी स्वांग प्ले कर रही है इस टीचर को, जो कि उनको, शी टर्न्स देम अराउंड, उनको उस गलत रस्तों से लिठा के वो सही रस्तों पे लाती है. आपने हो सकता है थीम सुन रखी हो, बट दिस इज अ वंडरफुल मूवी. डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई, ये मूवी इसलिए मैंने इसको मोटिवेशनल कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये काफ़ी लाइफ फिलोसॉफी इन सब चीज़ों पे भी आती है. बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवीज आई हैव एवर सीन. इट्स अबाउट एक इंसान जो कि कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है, आई थिंक, जो कि सिर्फ अपनी लेफ्ट आई मूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट करना सीखता है थ्रू ब्लिंकिंग. मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, एंड फिर वो एक नॉवल लिख देता है उठा के पूरी, सिर्फ एक आंख से. देन फाउंडर मैकडोनल्ड्स, माइकल कीटन प्लेज द फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स चेन कैसे स्टार्ट हुई थी. अब इस मूवी में यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ी स्लो मूवी है, थोड़ा सा बोर हो जाओगे इस चक्कर में. आई थिंक ये दिस मूवी डिडंट बिकम वेरी बिग एज इट वॉज सपोज टू. बट आप एक चीज़ देखो कि बिजनेस और या एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती क्या है. जो हम बात करते हैं ना कि अरे एंटरप्रेन्योर, भाई वो स्पिरिट इस मूवी में परफेक्ट कैप्चर करी इंसान ने, जो कि जिसे करना था तो करना था, खुद से सब कुछ करने बैठ गया, वो सब कुछ खुद से ही करना है उसको, कोई किसी पे रिलाय नहीं किया, वो पागल की तरह घुस जाना क्या होता है किसी चीज़ में और अपना बना लेना,
ये मूवी आपको सिखाएगी एंटरप्रेन्योर होता क्या है असली। लिमिटलेस, लिमिटलेस से आपको मैं ये नहीं कहूँगा नेसेसरली कोई मॉरल मिलने वाला है, बट द मूवी पंप्स यू। तो पंप अगर होना है आपको, पढ़ाई करने का मन करना है, तुरंत सोचने से शर्लॉक मूवी ना आप देखते हो, शर्लॉक देखते हो, आपको लगता है अभी मेरा दिमाग भी चल रहा है, वैसे उस इफेक्ट के लिए बहुत बढ़िया है। डेड पोएट्स सोसाइटी, इफ़ यू फील मार्जिनलाइज, आपको लगता है कि आपकी बातें पेरेंट्स नहीं समझते आपके, यू नो आपको प्रॉब्लम होती है, आप मिसअंडरस्टूड हो बहुत ज़्यादा, आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें आपको, जिन्हें प्रेरणा नहीं दी जाती जिनसे आप चाहते हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मूवी है ये डेड पोएट्स सोसाइटी। रॉबिन विलियम्स अगेन प्लेज अ टीचर जो कि बच्चों को अलग तरह से सोचना सिखाता है, अलग तरीके से उनसे कहता है मोटिवेट करना उनको कि अलग तरह से लाइफ के बारे में सोचो, जिंदगी को हमेशा टेक्स्ट बुक की तरह मत देखो। देन ऑब्वियसली टू मूवीज क्रीड एंड रॉकी, रॉकी पार्ट वन और क्रीड, यू नो बोथ आपने देखी हैं, अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, यू नो स्पोर्ट्स बॉक्सिंग मूवी हो गई बट वेरी वेरी वेल मेड मूवीज एंड फुल ऑफ मोटिवेशन। तो ये मेरी लिस्ट है, आई होप ये मूवीज आप चेकआउट करोगे, बहुत सारी लिस्ट आने वाली है, मैं शायद कॉमेडी पे भी एक लिस्ट बनाऊंगा एक सेपरेट, जो मुझे मूवीज क्यों कॉमेडी पसंद है अलग लिस्ट क्या है, जो मूवीज दैट मेक यू थिंक, जो आपका दिमाग उड़ा देंगे उस पर मैं लिस्ट अलग बना सकता हूँ। द मूवीज दैट आई पर्सनली थिंक आर द बेस्ट मूवीज मुझे लगी आज तक, मैं उस पर अलग लिस्ट बना सकता हूँ। अगर आपको पसंद आई ये लिस्ट तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करो, और तरह की चीज़ें आप चाहते हो कॉमेंट्स में रिकमेंड करो, ठीक है दोस्त, और काम करते रहो यार, चल।